अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे आड़ू से एक बड़ी ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी को हम वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आड़ू के फ़ायदों की बात की जाए तो इसके फ़ायदों की एक लंबी लिस्ट है। स्किन के हवाले से बात की जाए तो ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, सूरज की वजह से जो डैमेज स्किन है उसको ठीक करता है। अगर ऑयली स्किन वाले दही और आड़ू का पेस्ट बना के स्किन पर अप्लाई करेंगे तो उससे उनकी स्किन पर एक फ्रेशनेस आएगी, स्किन ग्लो करेगी। दूसरी बीमारियों के हवाले से बात की जाए तो आड़ू जो है वो बहुत फ़ायदा मंद है। ये डायबिटीज़ के लिए, जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इससे खून पैदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। इससे आँखों की कमज़ोरी जो है वो दूर होती है और आँखों के पट्टे जो हैं वो मज़बूत होते हैं। हार्ट पेशेंट जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। इसमें लो कैलोरीज होती हैं, पानी ज़्यादा होता है, यही वजह है कि इसको वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम बनाएंगे आड़ू का आमलेट। तो देखते हैं एक आड़ू के आमलेट से किस तरह से वज़न कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का आड़ू, इसको बारीक चॉप कर लिया है। दो अंडे लिए हैं, उनकी जर्दी और सफ़ेदी जो है अलग कर ली है। जर्दी इसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी हम सफ़ेदी ही बस इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो एक अंडे की सफ़ेदी से भी ये आमलेट बना सकते हैं। अभी संडे की सफ़ेदी को डाल देंगे बाउल में। इसके साथ इसमें जाएगी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च है इसको चॉप कर लिया है। एक टमाटर है इसको भी चॉप कर लिया है, एक खाने का चम्मच है ये। आड़ू जो है वो एक मीडियम साइज़ का है चॉप किया हुआ, ये इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा काला नमक, चुटकी भर इसमें काला नमक डालेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जिसके बगैर ऑमलेट बन ही नहीं सकता, और वो है प्याज। इसमें एक खाने का चम्मच प्याज चॉप की हुई डाल देंगे। एक चम्मच कुकिंग ऑयल पैन में डालेंगे और इसको पैन में फैला लेंगे। कुकिंग ऑयल की जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आमलेट को पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसके बाद पैन में इसको फैला लेंगे। खाने से ज़्यादा तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, तो इस कलरफुल आमलेट को लो फ्लेम पर पकने देंगे। दोनों साइडों से पलट के इसको पका लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एफ़ए किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी करना है। और अब इसकी आड़ू के साथ गार्निशिंग करेंगे, डिश आउट करेंगे इसको। बहुत ही मज़े का और यम्मी आमलेट तैयार हुआ है। अक्सर ऐसे होता है कि जो वज़न कम करने वाली रेसिपीज़ होती हैं वो बड़ी ही बदज़ायका और अजीब सी होती हैं, लेकिन ये आमलेट आपको ऐसा नहीं लगेगा। इस आमलेट को ब्रेकफास्ट में खाना है, आधे दिन तक ये आपको भूख का एहसास नहीं होने देगा, यानी आपको अपना पेट जो है वो भरा भरा महसूस होगा। बहुत ही मज़े का और यम्मी आमलेट है, इसको खाएँ, इंजॉय करें और अपना मोटापा भगाएँ। अल्लाह हाफिज़।